फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करूंगा अच्छे होंगे। आज फिर से मैं एक नए लुक के साथ हाजिर हूं अपने यूट्यूब चैनल एसआर सचिन एसआर में। तो आपको कैसा लग रहा है ये लुक, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो अभी मैं आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग चीज़ें जो कि बहुत ही ज़रूरी है आपको जानने के लिए। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि आपके जीवन के लिए बहुत ही हेल्पफुल है जो है आपकी बाइक। तो जो ऐसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरा जो चैनल है वो पूरा बाइक पर ही टॉपिक है। अगर आपने कुछ ऐसी वीडियो देखना है तो मेरे नीचे मतलब जो वीडियोस हैं उसमें जा करके आप देख सकते हैं, मेरे चैनल में क्लिक करके वीडियोस देख सकते हैं। तो अभी मैं आपको कुछ ऐसी ही चीज़ें बताने वाला हूँ। जैसा कि आज होने लगा है अप्रैल का सीज़न आ चुका है, तो अप्रैल के सीज़न के बाद इसके बाद तो बहुत ही ज़्यादा कड़कदार गर्मियाँ होने वाली हैं, तो धूप निकलने वाली है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ जिन लोगों ने भी नई बाइक खरीदी है या फिर जिनकी पुरानी बाइक भी है तो उनके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ऐसा क्यों, मैं आपको बताने वाला हूँ कि बाइक जो है आपके वो जब आप कहीं धूप वाली जगह पे पार्किंग करते हैं अपनी बाइक को तो आपके लिए बहुत ही नुकसानदायक है। ये मैंने बहुत ही दिनों पहले सोचा था कि इस पे वीडियो बनाया जाएगा, लेकिन आज मैंने देखा कि अपने जो न्यूज़ चैनल वाले हैं उन लोगों ने भी आज इस टॉपिक पर अपने गूगल न्यूज़ पर उन्होंने डाला और मैंने देखा था, तो इसी वजह से मैंने सोचा कि आप लोगों को बताना भी बहुत ही ज़रूरी और हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसा क्यों। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप अगर अपनी बाइक को धूप में खड़ा करते हैं या फिर कहीं ऐसी जगह पर पार्क करते हैं जहां पर बहुत ही ज़्यादा धूल गंदगी या फिर मिट्टी होती है, तो वहां पे आपकी बाइक को बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो सकता है और आपको बार बार कोई मैकेनिक के चक्कर काटने पड़ सकते हैं, जैसा कि आप इसमें पैसे का भी नुकसान हो सकता है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें क्या क्या खराबियाँ आ सकती हैं, तो मैं आपको यहाँ साइड में डिस्प्ले भी करता जाऊँगा और उसके बाद दिखाता भी जाऊँगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि फ्रंट जो रहता है वो उसका नाम है टायर। जी हाँ, फ्रंट और बैक में जो रहता है वो टायर। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि धूप की किरणें टायर के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होती है और टायर में छोटे छोटे क्रैकेस पड़ जाते हैं। तो इस नुकसान की भरपाई करने में आपको 1300 से 1400 रुपए का नुकसान हो सकता है। उसके बाद आते हैं आपकी बाइक के कलर के बाद की बात किया जाए या फिर कोई प्लास्टिक पार्ट की बात करी जाए, तो प्लास्टिक पार्ट में सबसे पहले आपका मीटर जो रहता है वो आपके डिस्प्ले जो रहती है वो आपकी ब्लैक पड़ जाती है अगर डिजिटल मीटर है तो। अगर डिजिटल मीटर नहीं है तो आपकी जो स्पीडोमीटर है वो आपके पीले पड़ जाएंगे, जो उसका कांच लगा हुआ है वो पीले पड़ जाएंगे। तो वो कांच नहीं, वो प्लास्टिक है, मैं आपको बता देना चाहूँगा। उसके बाद ऐसे कई और पार्ट्स हैं जिसमें नुकसान हो सकता है, जैसे कि साइड पैनल, बैक पैनल और सारे भी ऐसे कुछ अन्य पार्ट। तो जैसा कि मैं आपको बता दूँ, अगर आप बार बार बाइक को कड़ी धूप में खड़ा कर रहे हैं 2 से 3 महीने तक का, तो आपको ऐसे नुकसान देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद आपकी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है वो है बाइक का जो लुक होता है वो किस चीज़ पर आता है, आप लोगों को पता होना चाहिए, वो है उसका कलर। तो जी हाँ, अगर आपको ऐसे आपके अपने खर्चों को रोकना है तो आप अपनी बाइक को धूप में केवल ना खड़ा करें, अगर खड़ा करें तो कोई भी आप कवर ऐसा इत्यादि चीज़ें आप खरीद सकते हैं, मार्केट में उपलब्ध है, 100 से 200 रुपए के रेंज में है शायद नॉर्मल सा कवर। और उसके बाद जो है ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का लेंगे तो आपको 300 से 500 के रेंज में मिल जाएगा, तो आपको ज़्यादा महंगा भी खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है और सस्ते से ही काम चलाना आपको बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं तो आप परचेज़ कर सकते हैं महंगे वाले कवर भी। तो मैं आपको यही चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आपकी बाइक के जो पेंट है वो अगर आपकी बाइक का पेंट इस तरीके हो जाता है एकदम नॉर्मल डल और बेकार क्वालिटी का, तो आपको बहुत ही अच्छे ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इसकी वजह से आपको बाइक भी चेंज करनी पड़ सकती है, क्योंकि जो बाइक का कलर है वही बाइक की शोभा है। जैसा कि इंसान का कोई कलर है, जैसा गोरा है, काला है, मोटा है, पतला है, तो वही पर उसकी पहचान होती है और वही उसका एक लुक है। तो वही बाइक का भी एक लुक है, जैसा कि कुछ बाइक महंगी होती है तो बड़ी चौड़ी और थोड़ी सी हैवी टाइप की होती है, और कुछ बाइक सस्ती होती हैं तो वो थोड़ी सी नॉर्मल टाइप की होती हैं, वो पतली होती हैं और वो चलाने में थोड़ा कंफर्टेबल भी रहती हैं, कम रेंज वाली बाइक। और उसके बाद ऐसे ही कुछ अन्य तरीके हैं। तो जैसा कि मैंने आपको ये इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई, आप सीख गए होंगे। और मैं आपको आखिरी में एक अपनी बात बताने वाला हूँ। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि सभी लोग कहते हैं कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, प्लीज़ कमेंट करिए, तो वैसे ही मैं भी कहने वाला हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेकार लग रहा है तो डिसलाइक कर दीजिएगा।